नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आज माता के आठवें स्वरूप के विषय में हम जानेंगे। आदि शक्ति माँ देवी महागौरी, नवरात्रि का आठवां दिन, जहाँ माँ दुर्गा के आठवें रूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी की पूजा मूल भाव को दर्शाती है। भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के नौ रूप और दस महाविद्या आदि शक्ति के ही अंग और रूप हैं। महागौरी हमेशा महादेव के साथ उनके पत्नी के रूप में बैठती हैं। कहा जाता है कि महागौरी ने लंबी तपस्या के बाद गौर वर्ण प्राप्त किया और उसमें जन्म लिया। जब उन्होंने जन्म लिया तब वो आठ वर्ष की थी, इसलिए नवरात्र के आठवें दिन उनकी पूजा होती है। महागौरी अन्न की देवी हैं, इसलिए उन्हें पुराण में अन्नपूर्णा देवी कहा जाता है। जो लोग पूरे नौ दिनों तक उपवास नहीं कर पाते हैं, वो आठवें और नवें दिन उपवास रखते हैं, क्योंकि महागौरी माँ दुर्गा के सभी रूपों में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली देवी हैं। माता पार्वती का जब जन्म हुआ तो उन्हें आठ वर्ष के उम्र में ही अपने पूर्व जन्म का एहसास होने लगा था और वो शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हो गए तो भगवान शिव ने उन्हें गंगा स्नान के लिए कहा। जब माता पार्वती गंगा स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। इनकी उपासना करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अगली पूजा के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।